के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दरबार, दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी फरियाद, दी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश, कहा लापरवाह थानाध्यक्षों पर करें कड़ी कार्रवाई, जरूरत पड़ने पर करें निलंबन से लेकर टर्मिनेशन तक। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा गौ संरक्षण के साथ शासन की विकास योजनाओं की तत्परता से करें पूरा। चिलुवाताल क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 7 लोग घायल, सीओ क्राइम परवीर सिंह ने कहा मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आवश्यक कार्रवाई, जल्द होगी गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री ने किया मंडल के आला अधिकारियों के साथ बैठक, मंडल के विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 9 दिवसीय रामकथा के 5वें दिन मुरारी बापू ने नवनाथ के नाथ धारा को प्रणाम करते हुए कहा गोरक्षवाड़ी आज के समय में भी है अति प्रासंगिक। कस्टम विभाग की कार्रवाई से तस्करों में मचा हड़कम, ट्रक सहित 88 लाख कीमत की इंडोनेशियाई सुपारी बरामद, उपायुक्त राकेश श्रीवास्तव ने कहा तस्कर सरकार को लगाते हैं सालाना करोड़ों की चपत। कथावाचक मुरारी बापू रामकथा के 5वें दिन पहुंचे विश्वविख्यात गीता प्रेस, अत्याधुनिक मशीनों का क्या निरीक्षण, गीता प्रेस ट्रस्टियों ने अंगवस्त्र से किया सम्मानित, किंतु पुस्तक भेंट को मुरारी बापू ने ससम्मान चुकाए उनके मूल्य। महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने अजय कुमार लल्लू के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर जताई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। 5 दिनों के प्रवास के बाद बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए हुए रवाना। गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी द्वारा मुरारी बापू की मौजूदगी में गोरखनाथ मंदिर में प्रस्तुत किया गया संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दूसरे दिन भी चल रहा मूर्ति विसर्जन का कार्य, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है पुलिस, विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों की हर गतिविधियों पर है नजर। और विसर्जन के दौरान जा रही मां दुर्गा की प्रतिमाओं को श्री श्री नव दुर्गा स्वागत द्वार समिति ने किया सम्मानित।